हम आपका स्वागत करते हैं। ये झरोखा चैनल है और मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय आपसे मुखातिब हूं। इस बार हम लेकर के आए हैं जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी रीढ़ की हड्डी। ये ICSE के कोर्स में तैयार की गई किताब साहित्य सागर में भी शामिल है और CBSE के कृतिका नामक पुस्तक में भी इसे रखा गया है। तो इस तरह ये दोनों कोर्स के लिए ये एकांकी लागू होता है। आज हम इसका सारांश जानेंगे। रीढ़ की हड्डी असल में एक सामाजिक एकांकी है और इसमें दो समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया गया है। पहला है दहेज की समस्या और दूसरा है व्यक्तित्वहीनता की समस्या। बाबू रामस्वरूप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनकी बेटी उमा शिक्षित और विचारवान युवती है। उसका विवाह होना है और इसी उद्देश्य से लड़की को देखने तथा विवाह तय करने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर उनके घर आए हुए हैं। गोपाल प्रसाद लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और दहेज को बिजनेस की बात मानते हैं। लड़कियों का शिक्षित होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इस तरह वे पुराने ख्यालातों वाले दकियानूस व्यक्ति हैं। उनका बेटा शंकर एक व्यक्तित्वहीन युवक है। वह दांत निपोरने वाला और पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर नौजवान है। स्वयं के विचार और व्यक्तित्व न होने के कारण वह अपने पिता का पिछलग्गू है। जैसा वे कहते हैं वैसा ही वह करता है। पिता के विचार ही उसके विचार हैं। उमा होशियार व्यक्तित्ववान और नई समझ वाली लड़की है। वह संस्कार वाली लड़की भी है, परंतु जब वह शंकर का चेहरा देखती है तो तुरंत ही पहचान लेती है कि यह वही चरित्रहीन युवक है जो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था। वह गोविंद प्रसाद का विरोध करती है कि वे उसके खरीददार बनकर आए हैं, जैसे कोई जानवरों को खरीदने के लिए चीजों को समझता है, पूछता है, जानकारी मांगता है। ऐसे वे उमा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। इस बात ने उमा को रोष में ला दिया। वह कहती है कि क्या आप हमको भेड़ बकरी समझते हैं? इतनी देर से नापतौल कर रहे हैं, लड़कियों का अपमान कर रहे हैं। जब गोविंद प्रसाद और उनका बेटा गुस्सा होकर जाने लगते हैं तब वह उनकी पीठ पर जोर से कहती है कि घर जाकर जरा देख लीजिएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। यहां पर रीढ़ की हड्डी व्यक्तित्व अथवा पर्सनैलिटी का प्रतीक है, चरित्र का प्रतीक है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा बनाए रखती है, उसी तरह मनुष्य का व्यक्तित्व और चरित्र उसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है। तो यह था जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी रीढ़ की हड्डी का सारांश। अगली बार हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।